स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिन्हा एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आपके के इस चैनल अभिषेक सिन्हा प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। सी ग्राफिक्स के इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे पाई स्लाइस। पाई स्लाइस जैसे कि नाम से क्लियर है कि ऐसे हम स्लाइस बनाते हैं, मतलब टुकड़ा, तो उस टुकड़ा को बना सकते हैं, या तो वो पूरा सर्कल का टुकड़ा हो या किसी एंगल से किसी एंगल के बीच का टुकड़ा हो। सपोज मैं एक पाई स्लाइस के यूज से कार्टून बनाया हूँ, इसे मैं रन कर दिखाता हूँ, जो एक एनिमेशन टाइप का है। इसका माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रहा है, आप देखेंगे समझ में आएगा। मैं इसे रन कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रहा है। देखिए ओपनिंग हो रहा है तो किसी खास एंगल पे ओपन हो रहा है, और क्लोज हो रहा है तो पूरा पूरी वो 360 डिग्री, अगर सर्कल माना जाए तो पूरा 360 डिग्री पे ये क्लोज हो रहा है और 330 डिग्री पर ये ओपन हो रहा है। तो 360 एंड 330 डिग्री, इन दोनों से हम इसे ओपन एंड क्लोजिंग बनाए हुए हैं। अब बाकी ऐसा आप सर्कल से भी कर सकते थे। तो हम पाई स्लाइस मेथड का यानी पाई स्लाइस फंक्शन का यूज क्यों किए, तो यानी क्योंकि पाई स्लाइस और सर्कल दोनों में डिफरेंस है। जब हम सर्कल बनाते थे तो एक बस आउटलाइन क्लियर होता था, उसके अंदर में कलर फिल करने के लिए या कोई पैटर्न डालने के लिए हमें फ्लोट फिल और सेट फिल स्टाइल का यूज करना पड़ता था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आपको पता होगा। लेकिन ये जो है पाई स्लाइस फंक्शन, ये बाय डिफॉल्ट इसमें कलर एंड पैटर्न डालता है। तो पाई स्लाइस होता क्या है तो उसे मैं इस वीडियो पर दिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरह से समझ जाए तो मैं जो इस टाइप का बनाया हूँ प्रोजेक्ट, छोटा सा एनिमेशन, तो इसे आप खुद से भी बना सकते हैं पाई स्लाइस के यूज से। और ये मैंने यहाँ लिखा है, एक सेकेंड बात, इसे मैं प्रीवियस क्लास में भी यूज किया था बट मैं वहाँ बताया नहीं था। प्रेस एनी की टू एग्जिट, अगर आप अपने कीबोर्ड से कोई भी प्रेस की को करते हैं तो एग्जिट हो जाएगा, चाहे कोई भी की क्यों ना हो एग्जिट हो जाएगा। तो इसके लिए फंक्शन है KB hit, ठीक। तो एक्चुअल में इसका यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मेरा काम है पाई स्लाइस को बताना। मूवमेंट आपका एक्सरसाइज रहा, आप उसमें मूवमेंट कैसे लाते हैं, आप उसे प्रैक्टिस करें, नहीं तो मैं मूवमेंट का वीडियो तो बोला हूँ बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाई स्लाइस बनाना, उसे समझते हैं पाई स्लाइस। इसे समझने के सबसे पहले हम ओपन करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। तो यहाँ फाइल का एक नया नाम देते हैं, हमें सीखना है पाई SLICE, पाई स्लाइस 1 देता हूँ और ओपन करते एक नया फाइल, पूरा न्यू फाइल है आपके सामने, मैं कोडिंग करने जा रहा हूँ, ये पूरा लाइव है तो कोई भी एडिटिंग नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं include include stdio.h, सेकेंड हेडर फाइल हैश include conio.h, conio conio.h, and the third one is hash include graphics.h, graphics graphics.h। यस, हमने तीनों हेडर फाइल को यहाँ इंक्लूड कर लिया आपके सामने। नाउ स्टार्ट करते हैं मेन से प्रोग्राम बनाना। तो हम इंट मेन की जगह यहाँ मैं void मेन लेता हूँ, नन रिटर्न टाइप अपने मेन को बना रहा हूँ, void main। देन आफ्टर हमें लेना है दो वेरिएबल जो हमेशा से हम लेते आए हैं इंट में, जी डी फॉर ग्राफिक्स ड्राइवर, जिसमें हम DETECT डिटेक्ट मैक्रो डालते हैं। सेकेंड है जी मोड, आपने मेरा वीडियो देखते हैं स्टार्टिंग से तो आपको ये पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें करना है इनिट graph ग्राफ, इनिट ग्राफ, इसमें हम पास करेंगे एड्रेस ऑफ GD एंड एड्रेस ऑफ GM। ग्राफिक्स मोड एंड ग्राफिक्स ड्राइवर हमने पास कर लिया और हमारा काम है पाथ देना, यानी BGI कहाँ है, यानी BGI कहने का मतलब लाइब्रेरी कहाँ है ग्राफिक्स की वो बताओ। तो ग्राफिक्स की लाइब्रेरी कहाँ होती है, वो सी ड्राइव के अंदर यानी कोलोन। अभी तक हमने फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया है, मैं बैकवर्ड स्लैश का इस प्रोग्राम यूज करूँगा, ये जान लीजिए आप। बैकवर्ड स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश आप कुछ भी इस पाथ को दिखाने में कर सकते हैं, यहाँ मैंने इसका प्रैक्टिकल देखा हुआ हूँ। तो
तो आप फॉरवर्ड स्लैश एंड बैकवर्ड स्लैश कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं पाथ बताने टाइम में, लेकिन आपको डबल यूज करना पड़ेगा, मतलब डबल करके, यानी बैकवर्ड स्लैश अगर आप डालते हैं तो डबल डालिए, या फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं तो डबल डालिए। हमने अभी तक फॉरवर्ड स्लैश यूज किया है, आज हम बैकवर्ड स्लैश यूज करेंगे। इसे भी दो बार डालना पड़ता है, यानी दो बार प्रेस करना पड़ता है। सी कोलोन डबल बैक स्लैश देन आफ्टर टर्बो सी थ्री बैक स्लैश देन आफ्टर बी जी आई, मतलब जहां मेरा लाइब्रेरी है उसे इंक्लूड कर दिए। तो इनिट ग्राफ पे हमें काम करना पड़ता था ग्राफिक्स ड्राइवर, ग्राफिक्स मोड और लाइब्रेरी कहां है उस पाथ को बताना। देन आफ्टर हम सबसे पहले जी टी सी एच गेट सी एच एंड ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिए, मेन को हमने क्लोज कर दिया, हमारा अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब जो हमें सीखना है ताकि हम उस पर फोकस कर सकें, हमें सीखना है आज पाई स्लाइस, पी आई ए एस एल आई सी, जैसा कि हमने ऊपर में हमने इसमें भी लिखा हुआ है पाई स्लाइस के बारे में आज हम जानना चाहते थे। पाई स्लाइस एक फंक्शन है, ओके। पैरेंथेसिस के अंदर हमने अभी तक कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं किया है, बट सबसे पहले मैं बता दूं पाई स्लाइस के बारे में। तो पाई स्लाइस पे कर्सर ले जाए और हेल्प के टॉपिक सर्च में आके इसे पढ़े। तो देखिए पाई स्लाइस आपको दिखेगा इस थर्ड नंबर पे, पाई स्लाइस जो वॉइड है यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। साथ ही साथ इसमें कितने आर्गुमेंट पास करते हैं पहले हम उसे काउंट करते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच, एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच, यस पांच आर्गुमेंट्स है नीचे वाले में, ठीक है। पहला आर्गुमेंट है x एंड y, यानी x एंड y बताएं। तो x एंड y पाई स्लाइस एक सर्कल फॉर्म करता है किसी खास रेडियस से, तो ये सेंटर पॉइंट यानी x एंड y अगर आप पाई स्लाइस में बता रहे हैं तो वो कहाँ का सेंटर पॉइंट, आप सेंटर कहाँ किसको सेंटर मान रहे हैं वो है। उसके बाद नेक्स्ट है, दो हमने बता दिया x एंड y। थर्ड है एस टी एंगल, पहले भी मैंने बताया था आपको एस टी एंगल कहने का मतलब स्टार्टिंग एंगल, जैसे हमने आर्क वाले वीडियो में बताया था। स्टार्टिंग एंगल किसे माना जाता है, जीरो को माना जाता है जीरो मानिए, 60 को माना जाता है 60 मानिए। एंड एंगल कहने का मतलब एंड कहाँ कराना चाहते हैं, जीरो टू 360 करेंगे तो पूरा सर्कल फॉर्म करेगा, जीरो टू 180 करेंगे तो हाफ सर्कल फॉर्म करेगा। और रेडियस, रेडियस का साइज कितना देना चाहते हैं वो है रेडियस। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बताया, तो रिमार्क्स आप पढ़ ले, थर्ड नंबर का रिमार्क्स इसका है। तो पाई स्लाइस ड्रॉ अ पाई स्लाइस इन ए करेंट ड्रॉइंग कलर एंड देन फिल्स द करेंट फिल पैटर्न एंड कलर, इसमें करेंट पैटर्न एंड करेंट कलर फिल होता है, ओके। तो ये क्लियर है, अब चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। तो पाई स्लाइस हमें एक्स एंड वाई पहला देना है, तो आप एक्स एंड वाई कितने डिस्टेंस पे सर्कल को ड्रॉ करना चाहते हैं, या कुछ भी स्लाइस बनाना चाहते हैं तो कितने डिस्टेंस पे बनाना चाहते हैं। तो सपोज मैं डिस्टेंस लेता हूँ 150, यानी एक्स डिस्टेंस यानी यहाँ से 150 हमने ले लिया, एंड वाई डिस्टेंस ऊपर से मैं ले लेता हूँ 200, ओके। स्टार्टिंग एंगल आप कितना देना चाहते हैं, तो मैं स्टार्टिंग एंगल 0 देना चाहता हूँ। पूरा मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें यूज करना होगा 360 एंगल, यानी 0 टू 360 एंगल 0, 360, ओके 360 एंगल। और रेडियस का साइज कितना चाहते हैं आप करना, रेडियस का साइज सपोज हम चाहते हैं 30 करना, ओके, थोड़ा छोटा हो सकता है तो 40 हम करके देखते हैं। तो यह ये हो गया, तो मैंने बताया था पाई स्लाइस के अंदर में कलर फिल होगा और पैटर्न फिल होगा। तो आप मेरा कलर और पैटर्न वाले वीडियो से अगर परिचित है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे करेंट कलर क्या आएगा, यस वाइट, एंड करेंट पैटर्न क्या आएगा, सॉलिड पैटर्न। तो चलिए इसे रन करते हैं, यानी वाइट कलर का पूरा डिस्क आपको दिखना चाहिए। तो पहले इसे कंपाइल करते हैं, एयर वार्निंग नहीं है, अब इसे रन करते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने एक डिस्क फॉर्म हुआ है, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो मैं इसे अभी कर देता हूँ 60। अब रन करते हैं इसे, यस थोड़ा बड़ा सर्कल फॉर्म हुआ है लेकिन ये पूरा पूरी वाइट हुआ है। तो लेकिन यहीं पे आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यस आप कलर पैटर्न सब चेंज कर सकते हैं सेट फिल स्टाइल का यूज करके। चलिए मैं आपको पहले कलर भी चेंज करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एंगल चेंज करके बताऊँगा आपको क्या होता है।
तो पहले मैं कलर चेंज करता हूँ, सेट सेट फिल स्टाइल, इसमें पैटर्न अगर हम डालते हैं 2 और कलर हम चाहते हैं वही रेड करना, तो रेड के लिए 4 होता है नंबर। ओके, तो रेड के लिए आर ई डी रेड भी ले सकते हैं कैपिटल में। तो अब इसे रन करते हैं, देखिए आउटपुट आपके सामने है। ये ऐसा ही था मेरा जो वो फिगर जो कुछ देर पहले आपको दिखाया था एनिमेशन का, जो माउस ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रहा है। तो देखिए ये 360 पर ये क्लोज हो चुका है। अब इसे 330 करते हैं, यानी इंड एंगल को 330 करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 330 हमने किया, अब इसे रन करते हैं। यहाँ देखिए ये ओपन हो गया। तो इसी का हमने यूज किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो वो बोलेंगे ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंटिन्यूसली कैसे हो रहा है, तो इसे मैंने लूप के अंदर लगाया था, के बी हिट यूज किया था फंक्शन। आप लूप अगर के बी हिट नहीं पता है तो एक लिमिटेड लूप चला लें, लिमिटेड लूप चला करके आप इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर सकते हैं। फिर बोले ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिर हम दिखेगा कैसे, तो आपको वहाँ मैंने पहले वीडियो बताया था क्लियर डिवाइस फंक्शन के बारे में। तो क्लियर डिवाइस फंक्शन क्या करता है, क्लियर कर देता है स्क्रीन को, स्क्रीन को क्लियर कर देता है। तो आपको क्लियर डिवाइस फंक्शन के बारे में अगर नहीं पता है तो मैंने क्लियर डिवाइस फंक्शन वाला वीडियो पहले देख लो आप, तब आप इस टाइप का एनिमेशन बना सकते हो। फिर आप बोलोगे एनिमेशन में कुछ देर तक ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर लूप चलता है तो बहुत फास्टली चलेगा, तो ये हमको दिखना चाहिए। तो वहाँ मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप वहाँ यूज करें डिले फंक्शन का, जो डिले मतलब टाइमिंग लेता है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पूरी हिंट दे दिया कि आप किस तरीके से मेरे तरीके मेरा वो जो हमने बनाया है कुछ देर पहले कार्टून वाला एनिमेशन, उसे आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद से। तो आई होप आप पूरे उस एनिमेशन और इस कॉन्सेप्ट से क्लियर है। अगर फर्दर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर अगर मूवमेंट कैसे करते हैं उसका मैं वीडियो बनाऊंगा ही, जिससे आसानी से पता चल सके, ठीक है। तो जाने से पहले मैं छोटे से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये वीडियो उस स्टूडेंट्स को पहुँच सके जिसकी सबसे ज़्यादा इसे ज़रूरत है, जो ग्राफिक्स सीखना चाहता है। और ये ग्राफिक्स की ट्यूटोरियल YouTube में भी बहुत कम है, हिंदी में अवेलेबल तो और भी कम है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी ग्राफिक्स का बेनिफिट उठा सकें। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।